हर शनिवार को पटियाला काली माता मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की भीड़ व मंदिर के प्रधान राजेश केहर से की गई मुख्य बातचीत। पटियाला काली माता मंदिर में हर शनिवार की भांति इस शनिवार को भी बहुत दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए इस मंदिर में पहुंचते हैं और इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जो भी माता रानी के आगे मन्नतें मांगते आए हैं, माता उनकी मन्नतें जल्द से जल्द पूरा करती हैं और इस मंदिर में सफाई का भी उचित ध्यान रखा जाता है। वहीं भंडारे में हजारों की संख्या में लोगों का मुख्य भोजन बनाया जाता है व खुले भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। इस मौके पर पंजाब पटियाला काली माता मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्री हिंदू तख्त अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति व मंदिर के प्रधान राजेश केहर ने बताया कि हर शनिवार को माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत दूर दूर से यहां पर पहुंचते हैं। उनके यहां पहुंचने पर उचित भंडारे का भी आयोजन किया जाता है और यहां पर लोगों की मन्नतें भी बहुत जल्दी पूरी होती हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा हमारे मंदिर में पुलिस प्रशासन भी अधिक बढ़ चढ़कर सहयोग देता है तथा साथ ही मंदिर में सेवादार भी अपनी इच्छा अनुसार श्रमदान करते हैं। वे दिन रात मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। अंत में प्रधान राजेश केहर ने पंजाब पटियाला के जिला ब्यूरो चीफ श्री गंगा व दीपक वोरा जी का मंदिर में पहुंचने पर धन्यवाद किया। ये जो मंदिर है 300-350 साल पुराना है। ये जो पीछे आप गौरी माता की मूर्ति देखते हैं, इसकी जो ज्योत है वो ज्वाला जी से आई हुई है और जब से महाराज साहब लेके आए तब से अखंड ज्योत यहाँ पे जल रही है। और आगे जो काली माता का मंदिर है, विराट मूर्ति आप काली माता के दर्शन करते हैं, वो जो ज्योत है उसकी कलकत्ता से श्री काली माता मंदिर से आई हुई है और ये भी उसी समय से अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ शनिवार को बकरा, मुर्गा और शराब के होते लोग अपनी मंडल पूरी करते चढ़ाते हैं और हर शनिवार यहाँ करीब 18 से 20 हज़ार शराब की बोतलें सैकड़ों की तादाद में बकरे लेके चढ़ाए जाते हैं। माता रानी के दर्शन करने आप भटिंडा के साथ कौन कौन आया आपके साथ? आपके साथ अकेले आए? अच्छा, सरदार जी अकेले आए हैं, भटिंडा से आए हैं, पंजाब से ही आए हैं, इतनी दूर से माता रानी के दर्शन करने के लिए। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए सरदार जी का हमारे चैनल पर पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।